बहुत ज्यादा याद आती है, क्योंकि अभी उसने शादी भी नहीं की थी। अब मैं यही सोचती थी कि मेरा भाई बड़ा हो गया है, अब हम इसकी शादी करेंगे। दुख तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि बचपन से आज तक बहुत यादें होती है, हर लम्हा याद आता है जो हमने साथ गुजारा है, याद तो बहुत आती है। अब ज्यादा दुख इस बात का है कि जो वो हमें बॉडी भी नहीं दे रहे। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर उन दो लोगों की बॉडी जो है उन्होंने उनको वापस दिया, तो हमें नहीं वो डेड बॉडी वापस दे रहे हैं। हमारा क्या जुर्म है, हमने क्या गुनाह किए हैं? क्योंकि वो एक बेचारा आम आदमी था और वो बेचारा वहां सफाई करता था और चाय बनाता था। तो यही गुनाह है कि एक मजदूर को मजदूरी करनी और फिर उसको मार देना, बेगुनाह उसका कत्ल करना, फिर बाद में बॉडी भी नहीं दे रहे हैं। एक तो बहुत बेदर्दी से उन लोगों ने उसको मारा है। मैं यही चाहती हूँ कि मेरे भाई की बॉडी हमें वापस दे दो और आप अपनी इंक्वायरी करो। हम नहीं मना कर रहे हैं उनको कि आप इंक्वायरी नहीं करो, आप इंक्वायरी करो, लेकिन वो बहुत मतलब बेकसूर था, हमें बॉडी वापस दे दो। दोस्तों क्या आपको पता है कि आपकी वजह से हम जरूरतमंद और यतीम बच्चों की मदद करते हैं? बिल्कुल ऐसा हो रहा है पिछले एक साल से। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे हो रहा है, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए और जानिए कि हम लोग आपकी वजह से कैसे जरूरतमंद और यतीम बच्चों की मदद करते हैं।